भोट दिने में तो गुरी बांधी में लगता है ना क्या भोट दिने के में आओ आओ बोलेगा देने के में लात मारेगा इसी तो नहीं होगा ना ये तो किसे होगा आप भी तो ऐसे होने से हम लोग देने को नहीं लगेगा भोट शूट हम लोग ऐसे गुस्सा करता है। नमस्कार, मैं विप्लव सिंह, आप सभी को NH में स्वागत है। हाल ही में हमने आप लोगों को दिखाया था जो कुछ गांव के जो डिजास्टर जो 11 साल में जो मार्च 2023 को जो डिजास्टर हुआ था, जो हिल स्टॉर्म आया था, उनकी वजह से बहुत ही लोगों का घर विलुप्त हो गया और घर डैमेज हुआ था। हमने तो आपको पहले दो गांव का कहानी दिखाया था, लेकिन अभी हम लोग को पता चल रहा है कि ये खाली दो गांव नहीं है, इसमें बहुत सारा गांव इफेक्टेड है। लेकिन सभी गांव को कुछ सरकार की ओर से कुछ हेल्प नहीं मिला, कुछ मुआवजा नहीं मिला। सरकार दावा तो करती है कि उन लोगों के द्वारा कुछ हेल्प किया गया है, लेकिन ये कुछ गांव में ही हेल्प किया गया है और कुछ गांव में कुछ हेल्प नहीं हुआ। जैसे दो गांव का कहानी आप लोगों को हमने पहले प्रतिवेदन में दिखाया था, लेकिन अभी हम लोग को धीरे धीरे बात चल रहा है कि पता चल रहा है कि ऐसा बहुत ही गांव है जो सरकार के मुआवजा के लिए वो रुका हुआ है। कब उन्हें सरकार की ओर से कुछ हेल्प दिया जाएगा और वो अपना घर को फिर से नया करके रेडी करेंगे। आइए आप लोगों को सुनाते हैं कुछ लोगों की बात जिनको अभी भी कुछ मुआवजा नहीं मिला है। 11 साल में बारिश गिरा, पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर गिरा, हम सब का घर टूट गया, इतना टूट गया, बनाने नहीं सका। किसी को पैसा मिला, किसी को नहीं मिला, टीना भी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। हम लोग भी सबका बराबर घर तो टूटा हुआ है, फिर भी किसी को नहीं मिला, किसी को मिला, बराबर नहीं मिला। आपका गांव का नाम क्या है? ढंगजनरा जी। ढंगजनरा जी, हाँ। तो आपको कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। आपका घर टूट गया? टूट गया। अच्छा, जिसको पैसा मिला कितना तक मिला है पैसा? जिसको मिला, किसी को सुना है किसी को 1,30,000 मिला बोला, और किसी को 60,000, किसी को 40,000। हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। हाँ जी, हमारी कंप्लेंट तो काउंसिल के ऊपर में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मिलना चाहिए सहायता, हम लोगों को उसकी सहायता नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ में जो है 100% लोगों के घर डैमेज हो चुके हैं, लेकिन हमें जो सहायता मिली है 20% भी नहीं मिली है अभी तक। यहाँ पे टोटल कुल कितना हाउस है, कितना घर है? हाँ, बहुत ही गाँव मतलब घर है, इतना तक तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन बहुत ही घर है। लेकिन जो डोंगजनरा जी एरिया है, बहुत ही गांव है, उनमें से किसी किसी को ही मिल पाए है पैसे, और उनमें से किसी को मिला है 130,000, किसी को मिली है 80,000, फिर किसी को मिली है 6,000, किसी को 2,000, उतना तक ही मिल पाई है। और किसको मतलब 3 मिली है, उन्हीं लोगों को भी मतलब पैसे मिले हैं। जिन्हें 3 नहीं मिले हैं उन्हें पैसे भी नहीं मिले हैं, 3 भी नहीं मिले। मतलब सुनने में यही आए है कि जिनकी घर बिल्डिंग है उन लोगों को भी मिला गया है 130,000, लेकिन जिनकी मतलब पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है उन लोगों को अभी तक कुछ फैसिलिटी मिली नहीं है अभी तक। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिली है। जब फर्स्ट टाइम आपकी जो ट्रिपल दिया गया था, उस वक्त भी हम लोग फर्स्ट टाइम जो ट्रिपल दिया उस टाइम नहीं मिली थी, क्योंकि हम लोग जब आए थे वहाँ पे हम लोग को बोला गया कि आप लोग का नाम नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग जब नेक्स्ट टाइम ट्रिपल दिया गया उस वक्त मिला था हम लोगों को। और जो लिखने के लिए आए थे सर्वे करने के लिए, वो लोग भी हम लोग के घर में नहीं गए थे, हमारे घर पर ही, हमारी पड़ोसी भी एक है, और अभी सुनने में आए हैं बहुत लोगों के घर पर सर्वे करने के लिए गए ही नहीं। आठ माह से छुपा नहीं से তেতিয়া তো সবর ঘর তো চীনা পুটিছে, যে ডনির ঘরটো পুটিছে আর গরিবর ঘরটো পুটিছে। তেতিয়া মানে আমার হিরি সার্ভে আহিছিল, তেতিয়া আমার ঘরটো মানে গুইছে, তেতিয়া তথাপিও সিলিং আছে, তার কারণে মানে ফটোটো উঠা নাই। আর সবর ঘর যিমান যে এতিয়া 1,30,000 পাইছে, সিহতর ঘরটো তো সিলিং আছে। আজিকালি সিলিং নহলে কোনো ঘর নবনায়, আর কারবা ঘরটো তো জুয়াই নাই, এনেকুৱাও হয়েছে কারবা ঘরটো মানে ড্যামেজ, বেশি ড্যামেজ হয়েছে, সিহতর ঘরটো পোয়া নাই মানে এনেকা। আর কোনোবা ঘরটো তো সবার টিনো পোয়া নাই, আমার ব্ল্যাক সবর ঘরটো এনেকাও আছে, আর কোনোবা তো 6,000 পাইছে, কোনোবা 3,000 পাইছে, কোনোবা তো একজনও পোয়া নাই, এনেকাও আছে আমার গাঁত, ডংজন রাজি গাঁত। আর হেল্প ফ্রম ওয়াটার না উস টাইম জো হামলুকা ঘর ঘর তো ঘর কা টিনা তো সব চেন্ডা চেন্ডা হয়ে গেছে, রেনে কা हालत नहीं है। जो इसमें इसका वजह से जो सरकार पैसा दिया, टीना दिया, बहुत लोगों को मिला है, टीना तो हमको भी मिला, फिर भी जो बारिश का सीजन खत्म हुआ ना उसके बाद में मिला टीना में, तो पैसा तो
हम तो नहीं मिला, और कितना लोगों को तो मिला है, किसी को 1,30,000, किसी को तो 1,20,000 इतना मिला, और किसी को मिला है कि 100,000, 4,000 मिलने वाला भी है। कितना मिला हमको? नहीं मिला। आपको 1 रुपये भी नहीं मिला? 1 रुपये भी नहीं मिला। तो जल्द से जल्द सरकार जिसको जिसको नुकसान हुआ है सबको सबको पैसा देने से तो अच्छा होगा। देखो उसी ने पत्थर गिरा, सब का भी गिरा ना, गया साल में, तो हम लोग को तो स्प्रे कर पूछते है ना, किसका मिला किसका नहीं मिला। हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला, चावल भी नहीं मिला, ठीना भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। क्या खाली उन लोग को बुश्ती में खाली पत्थर गिराने क्या, हम लोग को बुश्ती में नहीं गिराने क्या? क्या हम लोग को बगल में भी उन को गिरा, हम लोग को नहीं गिराने क्या? सबका भी देना है तो सबका भी दो। क्या हम लोग दुखी है बोल के हम लोग को देने नहीं सकता नहीं क्या? इसलिए हम लोग को क्या उन लोग का तो लोहा देखा, सुना चांदी देखा, हम लोग का क्या देखा नहीं, कोयला देखा नहीं क्या? ऐसे तो नहीं होगा ना, सब खबर दो, थोड़ा थोड़ा होने से भी सब बात के दो, किसका तो ज्यादा ज्यादा देता है, किसका तो एक पैसा भी नहीं देता, ऐसे तो नहीं होगा ना। वोट का कितना पैसा घुसा? हम लोग को एक पैसा भी नहीं है, हम लोग फटा सिरा है, हम लोग तो गरीब आदमी है। देखो घर टूटा क्या? घर टूटा आपका? टूटा तो नहीं, टूटा नहीं क्या? पत्थर तो हम लोग घर में भी तो पत्थर तो आया ना, तो क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं टूटेगा? कुछ भी नहीं मिला हम लोग, कितना आदमी को नहीं मिला? हम लोग को घर में बुश्ती में 45 में 8 गोरखा मिला खाली। देखो दूनी दूनी है, आर दूनी लोग मिलता है, हम लोग गरीब वालों नहीं मिलता है। क्यों बहुत दिन में तो गरीब आदमी के भी लगता है ना, क्यों बहुत दिन कथे में आओ आओ बोलेगा, देने कथे में लात मारेगा, इसी तो नहीं होगा ना, ये तो किसे होगा? आप भी तो ऐसे होने से हम लोग देने को नहीं लगेगा बहुत छूट, हम लोग ऐसे गुस्सा करता है। हम मेरा तो घर सब टूट गया, तेरा सब टूट गया, तुम्हें मेरा तो कोटर सिक्के भी दे दिया, तो मेरा तो नहीं हुआ कुछ भी, नहीं मिला, नहीं मिला, सब पूरा उड़ गया आपका? हाँ सब उड़ गया, अभी भी है, अभी चेक करके अभी भी है। पिछले बार आया था कि नहीं वो लोग सर्वे करने के लिए? वो लोग आया आया था, लेकिन पैसा नहीं दिया, नहीं दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कुछ दृश्य और लोगों का कुछ क्या ना कहना था जो आपने देखा है, आप आशा करते हैं कि सरकार जिस तरीके के लोगों को आशा या कुछ उम्मीद जो दिया था वो सरकार जल्दी से जल्द लोगों को ये कुछ देगा और कुछ उन लोगों का घर को बनाने में कुछ हेल्प करेगा और कुछ मुआवजा भी दिया जाएगा। इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए NH, और याद रखिए NH ही है जो आप लोगों को सटीक और तुरंत खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, और NH को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।